Hello students, earlier we already studied the class Cyclostomata and class Osteichthyes and Chondrichthyes. इससे पहले हम कुछ jawless fishes, cartilaginous fishes और बोनी फिशेस की स्टडी कर चुके हैं. अब हम क्लास एम्फीबिया, इसके एनिमल्स की स्टडी करते हैं. एज द नेम इंडिकेट्स एम्फी, जैसा कि नाम से पता लग जाता है, एम्फी मीन्स होता है ड्यूअल, बोथ, और बायोस मीन्स लाइफ, अर्थात इस क्लास के एनिमल्स दोनों जगह अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं. कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. टेल मे बी इन सम केसेस. एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स. आईलिड, जो आंखें हैं उनके ऊपर आईलिड्स होती हैं. टिम्पेनम, आंख के ठीक पीछे इसके कान होते हैं, जिसे हम टिम्पेनम कहते हैं, यानी कि इसमें मिडल ईयर और इंटरनल ईयर होते हैं. इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ ओपन इन टू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, यानी कि इनमें एक स्ट्रक्चर है क्लोएका, जिसमें इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी खुलती है, इसका यूरिनरी एक्सक्रिएट जो सिस्टम है, इसका यूरिन भी इसी के आकर खुलता है, और इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तीनों के लिए ये एक कॉमन वे है, विच ओपन्स टू एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ खुलता है, अर्थात क्लोएका से ही ये फीकल मैटर एलिमिनेट करता है, क्लोएका से यूरिन, और इसी से ये अपना रिप्रोडक्टिव मटेरियल एग्स और स्पर्म एलिमिनेट करता है. रेस्पिरेशन, वो यंग स्टेज में गिल से होते हैं, मोस्टली लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, और स्किन से भी ये रेस्पिरेशन करते हैं. हार्ट, वो थ्री चैम्बर्ड होता है, जिसमें टू ओरिकल और वन वेंट्रिकल होते हैं. ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. और इसके मेंबर मोस्टली ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं. इसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे ब्यूको, जिसे हम कॉमनली टोड कहते हैं, राना टिग्रीना, जिसे फ्रॉग कहते हैं, हाइला, ये ट्री फ्रॉग होता है, सेलामेंड्रा, जिसे हम सेलामेंडर कहते हैं, और इक्थियोफिस, एक ऐसा एम्फीबियन है जिसमें आर्म्स नहीं होती,
लिम्स अब्सेंट होती है। ये छिपकली की तरह दिखाई देने वाला सैलामेंडर होता है, लेकिन लिजार्ड्स में स्केल्स होते हैं। इसमें मॉइस्ट स्किन होती है। लिजार्ड्स में उंगलियों के ऊपर नेल्स वगैरह होते हैं, इसमें नहीं होते। तो ये एक एम्फीबियन है, जबकि लिजार्ड एक रेप्टाइल्स है। नाउ वी स्टडी अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। The class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. इस क्लास का नाम रेप्टिलिया उनके रेंग कर चलने के कारण रखा गया है, यानी कि इस क्लास के सभी मेंबर वो रेंग कर चलते हैं, इसलिए इस क्लास का नाम रेप्टिलिया रख दिया। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय हॉर्नी या ड्राई कॉर्निफाइड स्किन्स, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। इनकी स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्केल्स होती स्किन होती है, उसके ऊपर स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें भी बाह्य कान नहीं होते। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, इनमें भी टिम्पेनम होता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। स्नेक्स में लिम्स अब्सेंट होती है, बाकी अदर मेंबर्स में टू पेयर्स ऑफ लिम्स होती हैं। हार्ट वो यूजुअली थ्री चैम्बर्ड होता है, जिसमें टू एट्रियम और वन वेंट्रिकल होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स भी पोइकिलोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्नेक्स और लिजार्ड अपने स्केल्स को स्किन कास्ट के रूप में छोड़ते हैं। सेक्सेज आर सेपरेट, इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कीलॉन जिसे हम टर्टल कहते हैं, टेस्टुडो जिसे टॉर्टोइस कहते हैं, कैमिलियन जिसे गार्डन लिजार्ड कहते हैं, ट्री लिजार्ड सॉरी, और कैलॉट्स इसे गार्डन लिजार्ड कहते हैं। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइलस, एलिगेटर ये दोनों क्रोकोडाइलिया ग्रुप के हैं, रेप्टाइल हैं। हेमीडेक्टाइलस जिसे वाल लिजार्ड कहते हैं। पॉइजनस स्नेक जिसे नाजा नाजा या बेंगरस,
जिसे क्रैक कहते हैं, और वाइपर वाइपेरा, ये कुछ पॉइजनस स्नैक होता है।